हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ 10th मैथमेटिक्स फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स. सो वी हैव अ क्वेश्चन इन विच इफ पी टी इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी क्यू इज अ कोर्ड ऑफ द सर्कल सच दैट क्यू पी टी इज 70 डिग्री, देन वी नीड टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू. सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है जिसमें पी क्यू जो है हमारी एक कोर्ड है, सेंटर पॉइंट क्वेश्चन ने बताया ओ है. एंगल क्यू पी टी इज गिवन 70 डिग्री, देन वी हैव टू मेजर द एंगल पी ओ क्यू. हमें पी ओ क्यू एंगल कैलकुलेट करके देना है. वी नो दैट द रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. यहां लिख सकते हैं हम, वी नो दैट द रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर at their point of contact. So angle OPT, P जो होगा वो 90 डिग्री का है हमारे अकॉर्डिंग. सो हम यहां लिख सकते हैं, नाउ वी हैव एंगल OPQ इक्वल होगा एंगल OPT में से जब हम माइनस करेंगे TPQ. सो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री. तो ये आ जाएगा हमारा एंगल पी जो है हमारा एंगल ओपीटी ओपीक्यू इज इक्वल टू 20 डिग्री. सिंस ओपी जो है वो ओक्यू के इक्वल है, ओपी इज इक्वल टू ओक्यू के इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस हैं. सिंस बोथ आर रेडियस, क्योंकि दोनों एक, तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल OPQ भी इक्वल होगा एंगल OQP, बोथ विल बी इक्वल टू 20 डिग्री. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब हम लिख सकते हैं नाउ इन आइसोसेलेस ट्राइंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है. सो हम यहां लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 140 डिग्री. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel.